हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल द बीगा रियल एस्टेट। माय नेम इज़ अजय आरंग। जैसे कि आपको थंबनेल से पता लग गया होगा, आज हम बात करेंगे सेंट्रल पार्क का जो प्रोजेक्ट आ रहा है सेक्टर 104 ऑन मेन द्वारका एक्सप्रेस वे पे। सो इस प्रोजेक्ट ने काफ़ी हाइप क्रिएट कर रखा है ड्यू टू देयर प्राइजिंग। सो पहले हम बात करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इस प्रोजेक्ट के ऊपर। जैसे कि आपको पता ही है कि ये 9.5 एकड़ की साइट है और 2 एकड़ के अंदर इनका कमर्शियल है, बाकी रेजिडेंशियल है, 2 टावर हैं और अराउंड 240 के करीब अभी यूनिट बता रहे हैं। अगर आप साइजेस की बात करोगे तो 3 BHK जो है आपका 3300 से 3400 और 4 BHK 4400 से 4500 आ रहा है और G+42 से 43 की हाइट बता रहे हैं। बाकी जो स्पेसिफिकेशन, अल्ट्रा लग्जरी स्पेसिफिकेशन बता रहे हैं, आइसलैंड का कॉन्सेप्ट है आपका, जो क्लब हाउस में एक नई नई चीज़ें लेके आ रहे हैं। सो एक अल्ट्रा लग्जरी टाइप की फीलिंग देने की कोशिश की जा रही है इस प्रोजेक्ट के अंदर और प्राइसिंग जो है कहीं ना कहीं स्टार्ट हो रही है आपकी 23,000 रुपये पर स्क्वायर फीट से। तो 7.25 CR के बीच आपकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है और बड़ा साइज जो है 9.5 CR के आसपास स्टार्ट होता है। EOI का जो इनका अमाउंट है 65 लाख अमाउंट है और EOI प्रोसेस ऑन है, उसके लिए आप बात कर सकते हो। तो ये ओवरऑल प्रोजेक्ट की डिटेल है। अब बात करेंगे कि इस प्रोजेक्ट का जो है और द्वारका एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट पे या जो अपकमिंग द्वारका एक्सप्रेसवे पर उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सो जैसे कि मैंने बताया कि क्या प्राइसिंग ये लेके आ रहे हैं, तो एक तो है कि आपको मैं अगर थोड़ा टाइम पहले लेके चलूं, जब ऐलान अपना प्रोजेक्ट लेके आया था 17,750 के प्राइस पे, तो लोगों को वो प्राइसिंग भी समझ नहीं आई थी। बट यस, जब लोगों ने स्पेसिफिकेशन देखी, बिल्डर का बैकग्राउंड देखा और जो प्रोजेक्ट उनके ऑफिस में जाके अंडरस्टैंड किया, तो वो जो है कहीं ना कहीं ऐलान ने अपना 3 BHK 4 BHK और 5 BHK भी कहीं ना कहीं सोल्ड आउट की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट फेज में क्या प्राइसिंग लेके आएंगे दैट वी हैव टू सी, बट आज की डेट में वो अपना जो फर्स्ट फेज में था ऑलमोस्ट सारा सोल्ड आउट कर चुके हैं। सो जब ऐलान आया था उसका क्या इम्पैक्ट हुआ था आपके जो साथ में और प्रोजेक्ट थे, जैसे जॉय विले, गोदेज मेरिडियन, शोभा सिटी, टाटा लाविडा, M3M क्राउन, स्मार्ट और 1DXP, जो भी आसपास लग्जरी प्रोजेक्ट थे जो ब्रांड भी ठीक थे, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं प्राइसिंग अपनी इंक्रीज की। तो ऐलान तो अपना माल बेचा, बाकी दूसरे प्रोजेक्ट ने भी अपना माल इंक्रीज प्राइसिंग पे बेचा है। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल पार्क आने के बाद भी जो है प्राइसिंग जो है इंक्रीज करेगी, बट आज की डेट अगर मैं मेरिडियन, शोभा, टाटा लाविडा की बात करूँ तो ऑलमोस्ट वो अपनी इन्वेंट्री सोल्ड आउट कर चुके हैं। हायर फ्लोर या लोअर फ्लोर पे अगर वो बचा हुआ तो वो आपको पता है ग्राउंड फ्लोर, टॉप फ्लोर है, लास्ट में बिकता वो भी है, बट वो एक तरह से सोल्ड आउट इन्वेंट्री है आपकी। अगर आप 60-70% इन्वेंट्री सोल्ड आउट होगी तो एक तरह से प्रोजेक्ट आपका सक्सेसफुल है। सो अगेन इस वीडियो पे आते हैं, तो कहीं ना कहीं प्राइसिंग आपकी इंक्रीज करेगी और जो M3M क्राउन और स्मार्ट वर्ड 1DXP उसमें भी काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स मिला है। बट ये है कि कहीं ना कहीं अभी आज की डेट में आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है M3M के प्रमोटर के साथ क्या आज की डेट में जो है वो चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जब वो भी वहाँ से बाहर आएंगे तो एक और प्राइसिंग वॉर छेड़ेगा, क्योंकि आप जो मर्जी कह लो, जो पिछले 4-5 सालों में जो एक प्राइसिंग का बेंचमार्क जो एक तरह से बनाया है M3M ने, आई थिंक वो तो हमारे सामने है, बताने की जरूरत नहीं है क्या प्राइसिंग गुड़गावा की चलती थी और क्या आज की डेट में प्राइसिंग है वो M3M के थ्रू ही सेट किया हुआ है। और कहीं ना कहीं जब वो भी उनके जो इश्यूज चल रहे हैं रिजोल्व होंगे तो मेरे ख्याल से एक नया प्राइस, क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखोगे तो द्वारका एक्सप्रेस वे पे सबसे ज़्यादा जो लैंड बैंक है वो M3M का है। तो M3M जब अपने प्रोजेक्ट लेके आएगा या ऐलान जब अपना सेकेंड फेज लेके आएगा या और प्रोजेक्ट आएंगे, तो मेरे ख्याल से प्राइसिंग जो है कहीं ना कहीं जो और प्रोजेक्ट की है वो बढ़ेगी। दूसरा जो इम्पैक्ट पड़ेगा जो सेंट्रल पार्क का प्रोजेक्ट है, इसकी जो प्राइसिंग का, जो न्यू लॉन्चेस जो आपके आ रहे हैं, जो कि अभी दिख भी रहे हैं, उन वो भी जो है बढ़े हुए प्राइसिंग के साथ आएंगे। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल हूँ, सिग्नेचर ग्लोबल जो है अपना सेक्टर 37D के अंदर जो है मिलेनिया 3K और 4K बीच में जो है ये ला रहा है अपना हाई राइज टावर, पहला अपना हाई राइज लग्जरी टावर ला रहे हैं, 15,000+ प्राइसिंग जो है उस पर UI ले रहे हैं, कहीं ना कहीं डिस्काउंट के साथ 15,000 पर स्क्वायर फीट लेस पे जो है वो आएगा। नवराज भी है अपना पहला न्यू हाई राइज अल्ट्रा लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, अगेन सेक्टर 37D में, बैंगन द्वारका एक्सप्रेसवे, वो भी कहीं ना कहीं प्राइसिंग जो है उनकी लॉन्चिंग 15,000 के पास होगी, बट अभी आज की डेट में 13,000 पे जो है वो UI ले रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको पता होगा तो अभी एक और बिल्डर है जिसने EOI लेनी स्टार्ट की थी 13,000 में, बट जैसे सेंट्रल पार्क 23,000 के प्राइसिंग के साथ आया है
उसने भी अपनी ईओआई प्राइसिंग जो है 3000 प्लस करके जो है बढ़ा दी है। तो आप खुद देख लो कि क्या प्राइसिंग का इम्पैक्ट पड़ रहा है दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर। और जो पहले लोग ये कहते थे कि नहीं भैया ये तो एक बबल है, वो हो जाएगा, ये आप खुद देखो कि द्वारका एक्सप्रेसवे के आज की डेट में लैंड बैंक 18 से 20 करोड़ पर एकड़ मिलता है, लेबर का रेट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और इन्वेंट्री लिमिटेड है। तो मुझे नहीं लगता कि अब प्राइसिंग कम होने वाली है। इस जो बेंचमार्क सेट किया सेंट्रल पार्क ने, आई थिंक उसके बाद जो न्यू लॉन्चेस भी हो रहे हैं, एक एवरेज प्राइस आपका मेरे ख्याल से 13,000 जो मुझे लग रहा है, कमेंट करिएगा कि आपको क्या लगता है। मेरे को तो ये लग रहा है कि अब जो नए लॉन्चेस होंगे, मेरे को लगता है आई डोंट थिंक दैट इट विल कम बिलो 13,000 पर स्क्वायर फीट, इट वुड बी ग्रेटर देन 13,000 स्क्वायर फीट जो मुझे लग रहा है। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट में मुझे बताइएगा। तो एक ये इम्पैक्ट है। दूसरा तीसरा सॉरी एक और इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो पड़ेगा ऐलान की रीसेल के ऊपर, क्योंकि अभी भी कुछ जेनेट्री ऐसी थी जो नहीं मान रहे थे कि नहीं भैया ये ऐलान का प्राइस जस्टिफाई है या नहीं है। बट अब सेंट्रल पार्क जो प्राइस लेके आया है, आई थिंक उसके बाद जो ऐलान के इन्वेस्टर हैं वो इजीली एग्जिट कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐलान भी लग्जरी प्रोजेक्ट है, अल्ट्रा लग्जरी एमिनिटी स्पेसिफिकेशन के साथ आ रहा है। नो डाउट सेंट्रल पार्क भी अच्छी उसके साथ आ रहा है और कहीं ना कहीं उसके दिमाग में भी है कि ये प्राइसिंग जस्टिफाई, क्योंकि वो ऐसी एमिनिटीज़ और उसके साथ आ रहा है जो नॉट इन गुड़गांव बट इंडिया में भी नहीं है, जो कि आज की डेट में वो बता रहे हैं। बट अभी क्योंकि प्री लोन स्टेज में है तो ज़्यादा डिटेल आई नहीं है, बट जो इन्वेस्टर है दे नो कि क्या चीज़ें वो लेके आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ऐलान के इन्वेस्टर जो है उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा, वो अब अच्छे प्राइस पे एग्जिट कर सकते हैं और कहीं ना कहीं आगे भी ये लॉन्ग टर्म में उनको बेनिफिट देगा। तो एक ये बेनिफिट है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने बोला कि बेंचमार्क अब मेरे ख्याल से सेट हो जाएगा, 12-13 हज़ार से ऊपर आएगा। मुझे याद है किसी जमाने किसी टाइम में 1-1.5 साल पहले जब एंथम कैपिटल की मैं विजिट कराने जाता था तो लोग कहते थे अजय जी यार ये कहाँ ले आए आप, 9,000-9,500 का रेट है, तो समझ नहीं आता था। बट आज की डेट में वही चीज़ आप देखोगे रीसेल में 12-12.5-13 हज़ार में बिकती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रेस सेल हियर, डिस्ट्रेस सेल इज ऑलवेज एक्सेप्शन, वो बेंचमार्क नहीं होता। बट रीसेल अगर आप देखोगे तो इतने में रीसेल हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक बेंचमार्क सेट हुआ है, 13,000 प्लस प्राइसिंग अब आगे प्रोजेक्ट की रहेगी। मेरे हिसाब से आप देख सकते हो जो भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसमें अपना देख के आप ड्यू डिलिजेंस करके आप उसमें जो है एंटर कर सकते हो। एक पॉइंट मुझे और भी ये लग रहा है, क्योंकि प्राइसिंग मैं ये नहीं कह रहा कि गलत प्राइसिंग लेके आए सेंट्रल पार्क, बिकॉज उनके जो पिछले तीनों प्रोडक्ट थे सुपर डुपर हिट थे, चाहे वो गोल्फोज रोड का प्रोजेक्ट हो, सेक्टर 48 का प्रोजेक्ट हो, सेंट्रल फ्लावर वैली जो अपना ये सोना एलिवेटेड रोड पे है। मैं सुपर डुपर हिट इसलिए कह रहा हूँ कि आपका एंड यूज़ के लिए भी अच्छा प्रोजेक्ट लेके आए हैं विद गुड एमिनिटीज़ और इन्वेस्टर ने भी पैसा कमाया है। तो कहीं ना कहीं उनको पता है कि हम ऐसी चीज़ें ला रहे हैं कि इन्वेस्टर हो चाहे एंड यूज़र हो हमें देगा ये प्राइसिंग पे, तो वो तो उनके दिमाग में है ही। बट ये होगा कि जो प्योरली इन्वेस्टर एंटर कर रहा है वो आई थिंक कहीं ना कहीं एग्जिट करने में उनको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। रीज़न मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब 1-1.5 साल के बाद जब ऐलान का भी एक निकल के आएगी चीज़ें, शोभा के कुछ टावर आपके रेडी टू मूव, गोदरेज मेरिडियन भी रेडी टू मूव हो जाएगा और कहीं ना कहीं स्मार्ट नोट 1DXP MTM कैपिटल भी एक शेप में आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी प्राइसिंग जो है सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली से सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली कह रहा हूँ मैं, सेंट्रल पार्क का जो प्रोडक्ट सेक्टर 104 में जो आ रहा है उसे कहीं ना कहीं प्राइसिंग कम होगी। ऑल्दो सेंट्रल पार्क भी अच्छी एमिनिटीज़ के साथ आ रहा है बट कहीं ना कहीं ऐलान के अंदर भी लग्जरीज हैं, शोभा के अंदर भी लग्जरी फीलिंग के साथ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको एग्जिट करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। आई थिंक सेंट्रल पार्क को भी ये चीज़ ध्यान दे, तभी इन्होंने 15 महीने का टाइम दिया हुआ है और उसके बाद वो कहीं ना कहीं ट्रांसफर चार्जेस भी लेंगे। तो मैं ये नहीं कहता कि नहीं निकलेंगे, निकल जाएंगे, बट थोड़ा सा जो आसपास जो चीज़ें जब रेडी टू मूव, थोड़ा सा द्वारका एक्सप्रेस वे आपका चल जाएगा, चीज़ें निकल के आनी शुरू हो जाएंगी। बट ये है कि सेंट्रल जो सेंट्रल पार्क 104 का इन्वेस्टर जो 23,000 में एंटर करेगा, वो ये तो है नहीं कि 23,000 से नीचे पे एग्जिट करेगा, वो तो 1,000-2,000-3,000 प्लस पे ही एग्जिट करना चाहेगा। बट उस टाइम जो ऐलान, शोभा, गोदरेज मेरिडियन जो है उसे कम रेट पे मिल रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को इम्पैक्ट करेंगे और सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली के इन्वेस्टर जो हैं वो माइट भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है उनको एग्जिट करने में। बाकी सेंट्रल पार्क का जो प्रोजेक्ट है जो सेक्टर 104 में आ रहा है, इसके लिए ईओआई प्रोसेस ऑन है, आप उसके लिए मेरे से बात कर सकते हो, नंबर नीचे फ्लैश कर रहा है। और भी किसी द्वारका एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट के लिए या न्यू गुड़गांव या एसपीआर के प्रोजेक्ट के लिए आप इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे और मेरी टीम से बात कर सकते हो।
और ये था मेरा व्यू जो सेंट्रल पार्क का प्रोजेक्ट आ रहा है द्वारका एक्सप्रेस वे पे, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे या जो आने वाले प्रोजेक्ट हैं, जो फ्यूचर में पाइपलाइन में प्रोजेक्ट हैं। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में आप बता सकते हो। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो फिर इसको लाइक करके जाना, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसमें गुड़गांव रियल एस्टेट से रिलेटेड मैं इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ। बाय बाय।